फ्रेंड तो आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जतिन कंपटीशन क्लासेज में मोस्ट वेलकम है तो आप सबको पता होगा कि आज टेंथ बोर्ड के एग्ज़ाम 31 मार्च 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और आपका इंग्लिश का पेपर भी समाप्त हो चुका है आई होप आपका ये पेपर काफ़ी अच्छा रहा होगा और इसके लिए मैं आपके सामने इसकी आंसर की से जुड़ी एक वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें मैं आपको इस पेपर की आंसर की के बारे में बताने वाला हूँ तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल जतिन कंपटीशन क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको आंसर की के बारे में बताता हूँ तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेक्शन ए में जो कि था पैसेज का क्वेश्चन तो पैसेज का क्वेश्चन था ये इसमें छः नंबर का एक क्वेश्चन था जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच एम्पायर इज़ मैंसन इन द पैसेज इसमें आपको पैसेज को पढ़कर इसका आंसर देना था तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए मोरिया एम्पायर आई होप आपने ये एकदम सही किया होगा दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी हवर्स आर स्पेंट वाइज चानेक्य विद द पब्लिक तो इसका भी आपको इस पैसेज को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आपको सारे आंसर उस पैसेज में मिल गए होंगे तो इस सेकेंड वाले आंसर में आएगा ऑप्शन बी ट्वेल्व आवर्स तो थर्ड क्वेश्चन है द ड्यूटी टी ऑफ चानेक्य इस टू आफ्टर तो इसमें आएगा बी और सी जो कि डी ऑप्शन में है बोथ बी एंड सी उसके बाद चौथे क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन जो कि आप ने इसमें अंदर ढूंढ के कर लिया होगा इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोटेड वर्ल्ड चाणक्य वाज वोरियर एज द विलेजर्स वर इन ब्लैंक तो इसके अंदर आएगा ट्रैवल ट्रैवल आएगा इसके अंदर तो सेकंड सेकंड भी पैसेज इसी तरह है आप देख सकते हैं यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द क्वेश्चन डेट फॉलो तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपको पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके बाद आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं उनका आंसर आपको देना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज़ द नेम ऑफ द फ़ादर ऑफ द राइटर जो कि राइटर था उनके फादर का क्या नाम था उसमें ये बताना है आपको तो उसके फादर का क्या नाम था जो कि पैसेज में दे रखा है इसके अंदर आएगा ऑप्शन ए सेकेंड क्वेश्चन है द राइटर हाउस एज़ बुल्ट इन द मिडल ऑफ द क्लास ब्लैंक सेंचुरी तो कौन सी सेंचुरी में उसके राइटर हाउस बना था तो वो है सी ऑप्शन आएगा नाइनटीन सेंचुरी थर्ड क्वेश्चन है द ऑथर चाइल्ड हुड वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्ड हुड बोथ मेटरली एंड तो इसके अंदर आएगा इमोशनली जो कि ऑप्शन बी के अंदर है फोर्थ क्वेश्चन है द राइटर वॉज बोर्न इन द आइसलैंड टाउन ऑफ तो इसके अंदर आएगा सी रामेश्वरम फिफ्थ क्वेश्चन है हु इज़ एन आइडियल हेलमेट ऑफ़ द राइटर फादर इसके अंदर आएगा ऑप्शन ए राइटर मदर सिक्स क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एंड अप्रोवेटेड वर्ड्स है आई वॉज ए शोट बॉय विद रेदर तो इसके अंदर आएगा जो कि यहाँ पे दे रखा है अंडर डिस्टून सेकेंड है माई ब्लैंक फादर यूज टू अवॉइड ऑल कंफर्ट्स एंड लग्जरियस तो इसके अंदर आएगा जो कि मैंने आ, आपको फादर के ओस्टेयर पता रखा है उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज फर्स्ट है रिचनेस रिच रिचनेस का आएगा लग्जरियस बी है नेचुरल नेचुरल का आएगा इननेट उसके बाद है ग्रामर पोर्सन आती है ग्रामर का थर्ड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो फर्स्ट है आफ्टर आई रीड द न्यूज़पेपर फर्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर आई ब्लैंक द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम तो इसके अंदर आएगा हैड रीड जो कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है बी ऑप्शन में तो यह आपका यहाँ पर एकदम क्वेश्चन सही हो जाएगा उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन आई ब्लैंक माई फ्रेंड येस्टरडे तो येस्टरडे कौन से टेंस की एडवरब है तो आपको पता होगा कि ये प्रजेंट पास्ट सिंपल की एडवरब है तो इसके अंदर आएगा ए ऑप्शन एम ई टी थर्ड क्वेश्चन है आई ब्लैंक इन द स्कूल सीन्स लास्ट टू आवर्स तो इसके अंदर आएगा हैव बीन स्टेडिंग सीन्स फोर प्लस टाइम फोर्थ क्वेश्चन है आई यूजली ब्लैंक ब्रेकफास्ट एट एट पी एम तो इसके अंदर यूजली यह प्रजेंट सिंपल की एडवर्ब है तो इसके अंदर आएगा आई आए के साथ टेक उसके बाद आगे चलते हैं तो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच का नरे से टू मी आई डोंट बिलीव यू माई फ्रेंड टू मी डिड यू सी द स्नेक उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस इसके अंदर फर्स्ट के अंदर एज एस सुन एज का जोड़ना है और सेकंड के अंदर सो डैट जोड़ना है क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू पैसिथ क्वेश्चन है फ्रेम द क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर इसके अंदर आई रेस्पेक्ट माई टीचर तो इसके अंदर पर्सन बनने वाला है हु हैथ क्वेश्चन है देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट इसके अंदर आपको एड क्वेश्चन टैग क्वेश्चन बताना है तो इसके अंदर आएगा इजंट इट नाइन्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोट ए बुक्स इज़ ए बुक इसके अंदर इफ़ाएगा सेकेंड माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव वर प्रजेंट देयर हु सपोर्टेड मी जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे थे थर्ड क्वेश्चन है ही ब्लैंक विजिटेड इंडिया ब्लैंक इंग्लैंड सो डैट नॉट ओनली बट आल्सो उसके बाद दस से एक चौदह तक क्वेश्चन आपके बुक के होने वाले हैं जो कि आप वहाँ से देख करके इनको चेक कर सकते हो कि, कि किसके गलत हुए हैं किसके सही हुए हैं फिफ्टीथ क्वेश्चन है पैसेज जो कि आपके सीन पैसेज है सिक्सटीन क्वेश्चन भी है पैसेज जो कि आपके सीन पैसेज है सेवनटीन क्वेश्चन आपकी स्टंजा से लिया है जो कि पोएम से है ये भी पैसेज की तरह होते हैं ये भी आपकी बुक से और एटीनथ क्वेश्चन ये भी आपकी बुक से लिया गया है उसके बाद आता है नाइनटीन से ट्वेंटी टू क्वेश्चन आपको वर्ड में देने हैं जो कि आपकी बुक से ही लिए गए हैं तो आप इनको अपनी पासबुक के अंदर देख सकते हैं आज जिसके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना उसके बाद तेईस क्वेश्चन आपकी एक तो दे रखा है आपको लेटर लिखने के लिए लेटर टू तो एडिटर एंड इसमें अथवा में है राइट एंड ईमेल टू प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग अबाउट द इम इनकम्प्लीसन ऑफ द कोर्स ऑफ मैथ एंड साइंस यू आर संजय सिमी उसके बाद ट्वेंटी फोर क्वेश्चन है स्टोरी का जो कि आपको आउटलाइन दिए हैं इनको देख करके आपको स्टोरी लिखनी है फर्स्ट स्टोरी है ए एंड ए तो टॉयज और सेकंड स्टोरी है ओल्ड फार्मर एंड हिज फोर सन्स ये जो कि आप आउटलाइन से आसानी से कर सकते हो पच्चीसवा क्वेश्चन है लास्ट राइट ए पैराग्राफ ऑफ द गिवन विजुअल एड तो फर्स्ट में है होली है और सेकंड अथवा में है जो कि ए बर्थडे पार्टी है जो कि एकदम आसान पैराग्राफ है आप इसे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी तो आपको ये अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास जो कि टेंथ का बोर्ड इंग्लिश दे चुके हैं उनको भी आप ये आंसर की शेयर करो और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब klik